सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है राशि आपकी, और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आइए आज फिर से बताते हैं आपको कि क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत ठीक है, लेकिन पहले दिन से आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा। कई तरह के गलत विचार आपको परेशान कर सकते हैं। इस वीक आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको थकावट रहेगी। निजी और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखें और एकदम से कोई फैसला ना लें। दांपत्य जीवन में तनाव हो सकता है, थोड़े रोमांटिक रहेंगे, आप एक तरह की एनर्जी फील करेंगे। खर्च बढ़ सकता है, सप्ताह के आखिर में आय के नए स्रोत बनेंगे आपके। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहने वाली है, बाद में किसी बात को लेकर डर बना रहेगा। इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है। आप अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करें और फोकस्ड रहें। वीकेंड पर आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रोफेशनल मोर्चे पर आपका टैलेंट काम आएगा। बाद में कई लोगों के साथ आपकी महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बात का समय अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ और फलदायी रहेगा। इस सप्ताह आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। किसी टूर का प्लान कर सकते हैं, पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं। इस सप्ताह आप कार या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। बच्चों के मामले में प्रगति होगी। फॉरेन एजुकेशन को लेकर कुछ प्लान कर सकते हैं तो इस सप्ताह आपको सक्सेस मिल सकती है। घर के किसी बड़े की आंख में परेशानी की समस्या हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। महिलाओं के लिए मदरहुड का अच्छा समय है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। कोई गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस हैं। किसी नए बिजनेस को लेकर आप प्लान कर सकते हैं। सोसाइटी में आपको सम्मानित किया जा सकता है। फैमिली में भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं। ऑफिस में कोई टारगेट पूरा हो जाने से बॉस आपसे खुश रहने वाले हैं। ये सप्ताह स्टूडेंट्स के सक्सेस का है। जॉब बिजनेस में ज्यादा टेंशन ना लें, किसी बात को बहुत सोच समझकर ही करें। लव बर्ड्स के लिए अच्छा समय है, दोनों लोग एक दूसरे की नजदीक रहेंगे। सिंह राशि। आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे, बच्चों की ओर से खुशी मिलेगी। प्रतिस्पर्धा आपके विरुद्ध कोई साजिश रच सकते हैं। मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे। सप्ताह के बीच में आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आप निवेश के लिए प्लान करेंगे, अटके हुए कार्य पूरे होंगे। गवर्नमेंट के लिए काम में आपको सक्सेस मिलेगी। बॉस भी आपके काम से खुश रहेंगे। सप्ताह के आखिर में बिजनेस और प्रोफेशनल में आप कोई नए प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। आपका कोई फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। बिजनेस में कोई बड़ा सौदा हाथ से निकल सकता है। आपके घर गेस्ट आ सकते हैं। कन्या राशि। हेल्थ नरम गरम रहेगी, प्रतिद्वंदी के साथ वाद विवाद टालें। आप अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह से पूरा करने का प्रयास करेंगे। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, कोई नया काम सीखेंगे। इस सप्ताह आपको बच्चों से कोई खुशी मिलेगी। फैमिली में चल रहा कोई झगड़ा खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी के मामले में हल हो सकते हैं। कोर्ट केस में आपकी जीत होगी। आप किसी छोटे टूर पर जा सकते हैं। भाई बंधुओं से रिश्ता अच्छा रहेगा। ऑफिस के सहकर्मियों का साथ कम मिलेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर समस्या हो सकती है। शेयर सट्टे के चक्कर में पड़ेंगे तो पसीने की कमाई धूल में मिल जाएगी। इस वीक आपका धन खर्च होगा, इसलिए पहले से ही आप इसका इस्तेमाल करके रखें। आपको नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी, हालांकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जॉब और बिजनेस में कड़ी चुनौती मिल सकती है।
तुला राशि। इस सप्ताह आप लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। सप्ताह के मध्य में आप अकेले रहना पसंद करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स पर आप वीक के पहले दिन की दोपहर तक किसी न किसी प्रकार की कमाई कर सकते हैं। आपकी अपेक्षाओं की काफी बढ़ जाने से आपको असंतोष रहेगा। बिजनेस में आपको थोड़ा खर्च रहेगा। आखिरी दिनों में आप कमाई के नए द्वार खोल सकते हैं। जो लोग शेयर बाजार के काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार के सौदों में बहुत ज्यादा लालच ना बढ़े। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में लगा रहेगा। वीकेंड्स का मजा आप जरूर उठा सकेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सप्ताह के पहले दिन आप लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। सप्ताह के दूसरे दिन आप प्रोफेशनल स्तर पर ज्यादा बिजी होने वाले हैं। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय अच्छा है। फाइनेंस के मैटर्स में आपकी स्थिति स्टेबल रहने से आप निश्चिंत रहेंगे। बच्चों के पीछे खर्च की संभावना है। सप्ताह के आखिरी दो दिनों में आप पर एक्स्ट्रा खर्च का बोझ आ सकता है। प्रोफेशनली आप थोड़े बिजी रहेंगे, वहीं कुछ नया शुरू करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, तो आपको अभी थोड़ा वेट करना होगा। सप्ताह के एंड में आपको गलत निर्णयों का असर आपके प्रोफेशनल पर ना पड़े, इसका ख्याल रखना होगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में रुचि रहेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। अचानक आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंता में आ जाएंगे। एनर्जी बनाए रखने का प्रयास करें। प्लेयर्स को अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सेशन में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी टूर्नामेंट में उनका चयन हो सके। लंबे समय से अटका धन आपको मिल सकता है। फैमिली के मध्य में परिवार के साथ रिलेशंस तनावपूर्ण होंगे। बदले की भावना उत्पन्न ना होने दें। इस सप्ताह आप मेडिटेशन पर ध्यान दें। बिजनेस या ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को लेकर अचानक कई यात्रा हो सकती है। इस दौरान जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखें, ताकि आपका काम ना अटके। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं या ट्रांसफर लेने का विचार कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपकी सक्सेस दे सकता है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस समय घर बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा है। मॉर्निंग के काम में आपका ध्यान लगेगा। भूमि और लेन देन के लिए अच्छा समय है। कृषि के काम से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह उन्नति भरा हो सकता है। माइनिंग के काम से जुड़े लोगों को काफी फायदा होने वाला है। पुराना कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ाएगा। सोशल लाइफ और पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस का अच्छा योग है। जॉब में बदलाव या ट्रांसफर का योग है। रिलेशनशिप्स में सुधार का प्रयत्न करें। हार्ड वर्क को बेहतर रिजल्ट रखने का मिलेगा आपको। फंसे हुए पैसे वापस मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। इस सप्ताह भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। यदि कोई नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अनुकूल समय है। जॉब करने वालों को धन लाभ होगा। बोनस मिलने का योग है और वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। प्रमोशन स्थानांतरण का भी योग है। इनके जरिए काम और धन में वृद्धि हो सकती है। व्यापार के लिए समय अनुकूल है। हालांकि थोड़ी थकावट का अनुभव होगा, लेकिन बाद में समय बेहतर ढंग से गुजर जाएगा, जिससे खुशी का अनुभव होगा। घूमने जाएंगे और हल्के पलों का आनंद लेंगे। अर्जित धन को सही स्थान पर मनोरंजन के लिए खर्च करेंगे। सप्ताह के आखिर में पार्टनरशिप के काम में आपको लाभ हो सकता है। मीन राशि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह की शुरुआत बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन और मान सम्मान मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल जरूरी है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। सप्ताह के मध्य में विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए ये समय अनुकूल नहीं है। उन्हें मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलेगा, इस कारण कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। इस समय में निर्माण सामग्री, रंग और केमिकल्स के साथ ही होटल, मोटर, ट्रैवल एजेंसी आदि का व्यापार बेहतर रहेगा और इसमें खूब लाभ मिलेगा। पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट और क्लेश का अनुभव हो सकता है। साझेदारी वाले व्यापार में सतर्क रहें, अन्यथा धोखा मिल सकता है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।